सिक्स सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूं 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज ए गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है, तो ये रिग्रेटेबल है आदमी को बनाता। मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं, और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा, और जो दूसरे नाम नहीं, उससे कोई हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर देखिए, उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटन्ड वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए। तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाईकोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा। सर, आपने